हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाबा रामदेव मठ के मठाधीश कर्मयोगी पीताम्बरनाथ उर्फ पोमजी महाराज सांसारिक यात्रा पूर्ण कर हो गए ब्रह्मलीन। पोमजी महाराज ब्रह्मलीन अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे सैकड़ों भक्त। बाबा रामदेव पोसालिया में मठ के मठाधीश कर्मयोगी पीताम्बरनाथ उर्फ पोमजी महाराज बुधवार को सुबह सांसारिक यात्रा पूर्ण कर ब्रह्मलीन हो गए। सूचना पर सिरोही, जालोर, पाली, गुजरात सहित दूरस्थ क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में भाविकों ने आश्रम पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित कर ढोक लगाई। विधायक संयम लोढ़ा, प्रहलाद भाटी, जितेंद्र सिंह राव, विजय सिंह देवड़ा, शिवगंज नगर पालिका अध्यक्ष वजिंगा राम घाची, गोविंद सिंह राठौड़, देवाराम सेन, रुखाड़ा सरपंच तेजाराम भाटी, शिबागांव पूर्व सरपंच पन्नाराम, पोसालिया सरपंच प्रतिनिधि मान सिंह राव, मंगल सिंह, भोपाल सिंह, मोहन प्रजापत, शैतान सिंह, सुरेश कुमार, कल्याण सिंह सहित सैकड़ों भक्तों ने संत के अंतिम दर्शन कर पुष्पहार अर्पित किए। संत निर्भयनाथ, नारायणनाथ, रमेश भारती, प्रेम भारती, केवल गिरी, भक्त मिरी, हनुमान दास, गोस्वामी भारती सहित संत जनों की नित्रा एवं सैकड़ों भाविकों की उपस्थिति में ढोल धमाकों के साथ रथ में पार्थिव शरीर सहित शोभा यात्रा मठ परिसर से निकाली गई, जो कि हनुमान मंदिर आश्रम होते हुए पुनः मठ परिसर पहुंची, जहां विधि विधान और जयकारों के साथ पार्थिव शरीर को नम आंखों और गमगीन माहौल में समाधि विधि विधान पूर्वक निर्धारित स्थल पर दी गई। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।